नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक आइटम पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.1 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपये अंकित की गई है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 72,000 रुपये क्या है इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। अगर उसके ऊपर 20% की छूट दी गई, यानी 20% मतलब 1/4, सॉरी 1/5, तो यानी 5 रुपए के ऊपर एक की छूट, यानी बेचा कितने में, 4/5, तो यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/5। फिर आगे 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए की छूट, तो बेचा कितने में, 3 में, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 लिख लीजिए, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3/5 आ गया। मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, 2 से भाग कर देता हूँ, तो नीचे क्या आ गया, 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। तो अब 6 को मैं 7200 से गुना करूंगा, तो 2 0 पहले लगा देता हूँ, तो 6 दूनी 12, 1 कॉमन, 6 7 42 और 1 43, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, 43,200। अब देखते हैं रिवार्ड पॉइंट, जो रिवार्ड पॉइंट है वो कितने हैं, एक पॉइंट पे 0.1 रुपए की छूट मिलती है, तो रिवार्ड पॉइंट कितने हैं, 2850, ठीक है। इसको 0.1 से गुना करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 285 रुपए की और छूट मिल गई, तो यहां से 285 घटा दूंगा, तो कितना आएगा, 5 और 1 9 में से 1 8 घटाएंगे 1, फिर 11 में से 2 घटाएंगे 9, 42, 42,915 रुपये में उसका विक्रय मूल्य होगा, यानी बेचेंगे, तो 42,915 हमारा आंसर आ गया।